कॉम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए तीनों गुरु हैं ये, डेमिंग डेमिंग और जोरान और क्रॉसबी, ये तीनों गुरु हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के, फादर्स हैं। इनकी डेफिनेशन ऑफ क्वालिटी के लिए क्या कहते हैं, डेमिंग कहता है कि कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट चाहिए, कोई भी प्रोडक्ट हो प्रोसेस हो उसको आपने इम्प्रूव करना है। देखिए मोबाइल को 33-10 से शुरू हुआ था और आज कहाँ मोबाइल पहुँच चुका है, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट से ही फ़ायदा होता है। जोरान कहता है कि आप क्वालिटी के लिए कि आपके जो टूल्स हैं और आपकी प्रोसेसेस हैं वो फिट होने चाहिए यूज़ के लिए हर वक्त, ये नहीं होना चाहिए कि वो आप प्रोसेस अब शुरू करें कोई काम शुरू करें तो आपके टूल्स और आपकी क्या नाम है प्रोसेसेस आपकी मशीनें जो हैं वो आप चले ना, वो फिट होनी चाहिए हर वक्त। और ये कहता है क्रॉसबी के कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपकी प्रोडक्ट होनी चाहिए तो आप समझें क्वालिटी है वरना नहीं। एम्फेसिस माने तवज्जो देना, जोर देना, ये टूल और सिस्टम पे तवज्जो देता है। जोरान जो है वो मेजरमेंट पे तवज्जो देता है, ये मोटिवेशन पे तवज्जो देता है, एम्प्लॉई की मोटिवेशन होगी वो उतना कस्टमर के हिसाब से प्रोडक्ट बनाएगा। टाइप्स ऑफ टूल, ये स्टैटिस्टिकल टूल जैसे सिक्स सिग्मा है मिसाल के तौर पे, स्टैटिस्टिकल टूल्स है ये इस्तेमाल करता है, रिग्रेशन कोरिलेशन, ये जोरान जो है ये एनालिटिकल टूल इस्तेमाल करता है, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी को बहुत इंपॉर्टेंस देता है। क्रॉसबी मिनिमल यूज़ की बात करता है, कहता है कॉस्ट रिड्यूस होनी चाहिए मिनिमम ताकि कस्टमर के लिए फ़ायदा हो। यूज़ ऑफ गोल्स एंड टारगेट्स, डेमिन आपको बताया खिलाफ है कि टारगेट्स नहीं देने चाहिए, इसलिए टारगेट ज़्यादा देंगे तो प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगी लेकिन क्वालिटी ख़राब हो जाएगी। जोरान कहता है सिग्निफिकेंट एम्फेसिस है कि बिल्कुल टारगेट देने चाहिए और ये क्रॉसबी भी टारगेट देने का कायल है। तो ये तीनों आपके सामने एग्जाम में सवाल आए तो आप बना दीजिएगा। इसके अलावा मैं एक और आपको चार्ट दिखा रहा हूँ, टेबल, ये वही टेबल है, इसको देख लीजिए, इसमें इसको भी समझ लीजिए ये क्या है, इसको नेक्स्ट क्लास में हम आपको समझाएंगे, लेकिन ये भी आप एग्जाम में बना देंगे तो आपके मार्क्स आ जाएंगे अच्छे, तो हम इसको नेक्स्ट टॉपिक में समझाएंगे।